मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अपने अपने कंसेंट्स दे दिए हैं। जो आप स्ट्रीम को पसंद करते हैं उस स्ट्रीम में आप ऐड हो गए हैं, आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो गए हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स। क्लास 11th फिजिक्स में 10 यूनिट्स हैं, देयर आर 10 यूनिट्स। यूनिट नंबर 1 इज फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर। देयर आर 2 चैप्टर्स इन यूनिट नंबर 1। वन इज फिजिकल वर्ल्ड एंड अदर वन इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो वी आर स्टार्टिंग फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स पे पहुंचने से पहले, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले, व्हाट इज साइंस? साइंस इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड साइंटिया, एंड साइंटिया मीन्स टू नो। द फादर ऑफ साइंस वॉज एरिस्टोटल। अरस्तु का नाम सुना होगा आपने, उनके गुरु थे प्लेटो और उनका जो शिष्य था वो सिकंदर था, एलेक्जेंडर। साइंस साइंटिया वर्ड से बना है और साइंटिया का मतलब टू नो। टू नो अबाउट एनीथिंग इज साइंस। साइंस के ब्रॉडली हम दो कैटेगरी में इसे डिवाइड करते हैं। वन इज फिजिकल साइंस एंड अदर वन इज लाइफ साइंस। लाइफ साइंस को आप बायोलॉजिकल साइंस भी कहते हैं। फिजिकल साइंस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वन इज फिजिक्स, अदर वन इज केमिस्ट्री। फिजिक्स जो है वो फ्यूसिस, PHUSIS, फ्यूसिस टर्म से डिराइव किया गया है। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। इट मीन्स फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। केमिस्ट्री को डिराइव किया गया है केमिया वर्ड से। केमिया का मतलब होता है ब्लैक मैटर। केमिस्ट्री के जो फाउंडर माने गए हैं वो लेबोसेरेस माने गए। लाइफ साइंस पे चलते हैं। लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस में एक मेजर डिफरेंस है। फिजिकल साइंस में हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं और लाइफ साइंस में हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। लाइफ साइंस का जो फाउंडर है, यानी बायोलॉजी का जो फाउंडर है, वो भी अरस्तु को ही माना गया है, एरिस्टोटल को ही माना गया है। लाइफ साइंस के दो पार्ट होते हैं, वन इज जूलॉजी एंड अदर वन इज बॉटनी। जूलॉजी इज द स्टडी of human beings और animals। botany में हम study करते हैं plants की। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे physics। physics को हम further study। physics को हम दो category में divide करते हैं। one is classical physics and second one is modern physics। जो फिजिक्स 1900 AD से पहले की है उसे कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स, और इन क्लासिकल फिजिक्स के फादर को फादर है न्यूटन। मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आफ्टर 1900 जो भी फिजिक्स है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, और इसके फादर माने जाते हैं आइंस्टाइन। ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि क्लासिकल फिजिक्स अलग हो गई, मॉडर्न फिजिक्स अलग हो गई? दोनों में देखिए, यूनिवर्स में दो चीज़ें हैं, वन इज मैटर एंड अदर इज एनर्जी। जो फिजिक्स मैटर को अलग मानती हो और एनर्जी को अलग एंटिटी मानती हो उस फिजिक्स को कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन जिस फिजिक्स में मैटर और एनर्जी एक ही एंटिटी मानी जाती है, यानी कहने का मतलब मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशन माना जाता है, जैसा कि आइंस्टाइन ने दिया था डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा MC स्क्वायर।
एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैटर को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज़ हो गई एनर्जी। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। तो दिस फिजिक्स इज नोन एज मॉडर्न फिजिक्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था आइंस्टाइन ने, इसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के कई सारी ब्रांचेज हैं, उसमें कुछ ब्रांचेज जैसे मैकेनिक्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसे थर्मोडाइनमिक्स, जैसे लाइट। अब इसमें से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और लाइट की स्टडी आप थोड़ी बहुत क्लास 10th में कर चुके हैं, 11th में हम मैकेनिक्स की और थर्मोडाइनमिक्स की स्टडी करेंगे। दूसरा, मॉडर्न फिजिक्स के कुछ पार्ट यहाँ पे दिए हुए हैं हमने, जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स, सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल आप मोबाइल्स यूज करते हैं, कंप्यूटर्स यूज करते हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।